अब हम लोग एक नए टर्म का मतलब समझते हैं और वो टर्म है लॉस। लॉस, लॉस के दो मतलब होते हैं, एक होता है घाटा और दूसरा होता है नुकसान। ठीक है, अभी समझाता हूं। लॉस के दो मतलब होते हैं, टू मीनिंग्स। लॉस के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है घाटा और दूसरा होता है नुकसान। घाटा और नुकसान। घाटे का मतलब, सपोज आपने कोई सामान 100 रुपए में खरीदा, सपोज मैं बोलूं कि ये टेबल कोस्टर, ये टेबल कोस्टर आपने 100 रुपए में खरीदा और इसे 70 रुपए में बेच दिया, राइट? तो आपने इसको 30 रुपए के लॉस पे बेचा। अब 30 रुपए का ये जो लॉस है, इसे हम कहेंगे घाटे पे बेचा। ठीक है, तो अगर आपने सपोज सेलिंग प्राइस आपका 70 रुपए है और इसी चीज की कॉस्ट आपकी 100 रुपए थी, तो आपका 30 रुपए का लॉस हो गया। इस लॉस का मतलब हुआ घाटा। ठीक है, आपने फायदे पर ना बेच के घाटे पे बेचा, राइट? दूसरी चीज होती है नुकसान। नुकसान मतलब चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, तो इन चीजों से जो अपना लॉस होता है वो होता है नुकसान, राइट? तो लॉस के दो मतलब हुए, एक तो एक्सपेंसेस आर मोर देन द रेवेन्यूज, एक मतलब हुआ कि जो एक्सपेंस है, ये जो कॉस्ट आपने इनकर की, दिस इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस इज मोर देन द रेवेन्यू। रेवेन्यू आपका हुआ 70 रुपए, तो एक्सपेंस इज एक्सीडिंग द रेवेन्यू। तो एक तो लॉस का मतलब ये होता है, और दूसरा मतलब होता है कोई ऐसी घटना, कुछ ऐसा इवेंट जिससे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जिससे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो अगर यहां पर हम देखें तो ये जैसे हुआ लॉस बाय फायर लॉस बाय एक्सीडेंट लॉस बाय थेफ्ट एटसेट्रा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा लॉस के दो मतलब होते हैं, पहला तो कि एक्सपेंसेस आर एक्सीडिंग द रेवेन्यू, और दूसरा लॉस इज एन एक्टिविटी अगेंस्ट विच द एंटरप्राइज रिसीव्स नो बेनिफिट, राइट? तो लॉस के दो मतलब हो गए। अब हमें यह समझना होगा कि एक्सपेंस और लॉस के बीच में फर्क क्या है, क्या कोई फर्क है, और अगर है तो क्या है। मैं कह रहा हूं एक्सपेंस और लॉस के बीच में फर्क क्या है। तो सर एक्सपेंस जो है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन इनकर करती है इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यूज। एक्सपेंस ऑर्गेनाइजेशन खुद से इनकर करती है इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यूज, लेकिन लॉस जो है वो एंटरप्राइज खुद से तो इनकर करती नहीं है, लॉस तो हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूं तो लॉसेस आर एक्सीडेंटल टू बिजनेस व्हाइल एक्सपेंसेस आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक लाइन में लिखना चाहूं तो आई विल राइट लॉसेस आर एक्सीडेंटल टू बिजनेस व्हाइल एक्सपेंसेस आर इंसिडेंटल टू
इंसिडेंटल मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस को इनकर करेगी ही करेगी इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू, लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जबरदस्ती अपने गोडाउन में ले जाके आग नहीं लगा देगी, ठीक है? तो लॉसेस आर एक्सीडेंटल टू बिजनेस व्हाइल एक्सपेंसेस आर इंसिडेंटल बिजनेस. डन. अब एक क्वेश्चन देखते हैं. ट्रांजैक्शंस ऑफ रमेश फॉर अप्रैल आर गिवन बिलो, जर्नलाइज देम. रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद 10 लाख रुपए, बॉट गुड्स फॉर कैश, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट, बॉट फ्रॉम श्याम गुड्स ऑन क्रेडिट, रिसीव फ्रॉम कृष्णा अलाउड हिम डिस्काउंट, पेड श्याम कैश डिस्काउंट अलाउड, कैश सेल्स फॉर द मंथ, पेड रेंट, पेड सैलरी. आपके स्टडी मटीरियल का क्वेश्चन है, आओ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ रमेश, इन द बुक्स ऑफ रमेश, इन द बुक्स ऑफ रमेश जर्नल. सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ रमेश, फिर जर्नल, फिर फॉर्मेट बनाएंगे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपए, क्रेडिट रुपए. ये जर्नल का फॉर्मेट है. आप लोग यहां पर एक्सप्लेनेशन और ऐड कर लेना. बना लो फॉर्मेट. इन द बुक्स ऑफ रमेश जर्नल डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट. आप लोग ये एक्सप्लेनेशन वाला और ऐड कर लेना. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द जर्नल एज सच, बट हम लोग क्योंकि एक्सप्लेनेशन साथ में लिखते रहेंगे जिससे आप लोगों को बाद में रेफर करने में आसानी रहे, राइट? तो ये 2017 के ट्रांजेक्शन हैं. तो सबसे ऊपर मैंने लिख दिया 2017, उसके बाद पहला अप्रैल 1, तो अप्रैल 1 2017 फर्स्ट अप्रैल का ट्रांजैक्शन देखते हैं. रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद 10 लाख रुपए, ठीक है? अब ये 10 लाख रुपए यहां पर ये नहीं लिखा है कि ये कैश है या बैंक में इसने किए हुए, ठीक है? यहां पर इसने ये नहीं लिखा हुआ है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद, बस इतना लिखा है. ये नहीं लिखा है कि ये 10 लाख रुपए का कैश इन्वेस्ट किया है इसने बिजनेस में या अपने बैंक अकाउंट को लेके आया है, राइट? तो इसमें हम लोगों को एक हम लोगों को पूरे क्वेश्चन पढ़ के एक हिंट लेना पड़ेगा कि ये देखो, अगर आप लोग 5 अप्रैल का ट्रांजैक्शन देखते हो, अगर आप लोग 5 अप्रैल का ट्रांजैक्शन देखते हो, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, ठीक है? तो अगर इसके पास बैंक बैलेंस नहीं होगा तो ये कैसे निकालेगा, राइट? अगर इसके पास बैंक में बैलेंस होगा ही नहीं तो ये ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, ये बैंक से कैश विथड्रॉ कैसे कर पाएगा? तो हम लोगों को ये समझना होगा यहां पर कि रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद 10 लाख रुपए अगर यहां पर लिखा हुआ है तो हम इसको मानेंगे कि 10 लाख रुपए का जो है वो बैंक बैलेंस लेके आया है बिजनेस में, राइट? अब आप कहोगे सर ये दूसरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बॉट गुड्स फॉर कैश, यहां पर तो कैश है. ये सर कैश परचेजेस के बारे में बात लिखी हुई है, ठीक है? बॉट गुड्स फॉर कैश मतलब कैश परचेज है. अब उसका पेमेंट मैंने बताया था, चाहो तो आप कैश से कर दो, चाहे तो आप बैंक से कर दो, इमीडिएट पेमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर परचेज टू बी क्लासिफाइड एज अ कैश परचेज, राइट? पेमेंट का मोड कुछ भी हो सकता है, आप पेटीएम भी कर सकते हो, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी दे सकते हो, बस पेमेंट इमीडिएट होना चाहिए, राइट? सो व्हेन इट सेज बॉट गुड्स फॉर कैश, इट मैं मानता हूं लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, मैं मानता हूं, ठीक है? लेकिन हम लोगों को यह समझना होगा कि अगर ये नीचे जो ट्रांजैक्शन है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, इससे हमें एक हिंट मिल रहा है कि ये जो 10 लाख रुपए लाया है ये बैंक बैलेंस लाया है, ठीक? उसके बाद बॉट गुड्स फॉर कैश कैश में पेमेंट दे ही नहीं सकता क्योंकि बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश बोल के कोई चीज है ही नहीं अभी, राइट? तो हम लोग इसको बैंक के थ्रू पेमेंट किया हुआ मानेंगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं. अप्रैल 1 में रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद 10 लाख रुपए, तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस कमेंस्ड, ठीक है सर? बीइंग बिजनेस कमेंस्ड कितना पैसा है 10 लाख, और इधर आप लिख लो एसेट बढ़ा और इधर आप लिख लो कैपिटल बढ़ा. डन. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक में 10 लाख रुपए, कैपिटल में 10 लाख रुपए, एक्सप्लेनेशन में लिख लो एसेट इंक्रीज हुआ और इधर कैपिटल इंक्रीज हुआ, यही है, लिख लो इसको बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी करना, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ रहे हैं हम लोग. फिर 3 अप्रैल बॉट गुड्स फॉर कैश 50,000, तो अप्रैल 3 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग कैश परचेजेस मेड,
परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000 और इधर भी 50,000। इधर आपका परचेजेस क्या होता है, परचेज आपका एक्सपेंस होता है, बताया था मैंने, एक्सपेंस बढ़ा और इधर बैंक आपका एसेट कम हुआ, ठीक है। जर्नल एंट्री ये हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश परचेजेस हुआ है, परचेजेस में 50,000, इधर भी बैंक में भी 50,000। परचेजेस के आगे एक्सप्लेनेशन में लिख लो कि एक्सपेंस बढ़ा है और बैंक के आगे एक्सप्लेनेशन में लिख लो कि एसेट कम हुआ है, ठीक है सर। तो 3 अप्रैल का ट्रांजैक्शन ये हो गया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, नरेशन में आएगा बीइंग कैश परचेजेस मेड, डन। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक 10,000 रुपीज। अब इसने बैंक में से कैश विथड्रॉ किया है, तो कैश वाला जो हमारा एसेट है वो बढ़ रहा है और बैंक में जो बैलेंस है वो कम हो रहा है। तो अप्रैल 5 कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being cash withdrawn from bank 10,000। ये मेरा एसेट बढ़ रहा है और ये मेरा एसेट कम हो रहा है। तो अप्रैल 5 कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 10,000। कैश के आगे लिख लो एसेट बढ़ा, बैंक के आगे लिख लो एसेट कम हुआ और नरेशन में आ जाएगा बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, राइट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, 13 अप्रैल को है, सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट 1,50,000 रुपए। कृष्णा को बेचा, 1,50,000 रुपए का माल बेचा। तो जब हम सेल कर रहे हैं और कृष्णा को क्रेडिट पे बेच रहे हैं तो कृष्णा मेरा डेटर क्रिएट हो जाएगा, डेटर इज एन एसेट। तो यहां पर अप्रैल 13 कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, कितने का, 1,50,000 का। ये कृष्णा मेरा डेटर होगा तो एसेट बढ़ा, राइट, एसेट एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और सेल्स मेरा रेवेन्यू बढ़ा, ठीक है ना। कृष्णा मेरा एसेट बढ़ा, डेटर हो जाएगा, इससे पैसा लेना बाकी है तो ये पैसा हमें देगा, जो देता है वो डेटर होता है। तो कृष्णा अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन क्योंकि ये नाम है तो नाम के आगे हम लोग A/C अकाउंट वर्ड नहीं लिखते हैं। तो कृष्णा डेबिट 1,50,000 रुपए, एक्सप्लेनेशन में एसेट बढ़ा और टू सेल्स अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो इसलिए ये क्रेडिट होगा 1,50,000 से। ये कृष्णा 1,50,000 से डेबिट हुआ, सेल्स 1,50,000 से क्रेडिट हुआ और नरेशन में हमने लिखा बीइंग गुड सोल्ड टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, डन। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, बॉट फ्रॉम श्याम गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो अप्रैल 20 परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट तो हो गई, टू श्याम बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, कितना, 2,25,000। परचेजेस तो मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है और श्याम अब मेरा क्रेडिटर हो जाएगा, इससे मैंने उधार पे माल खरीदा, मतलब मुझे इसे पैसा अभी देना बाकी है, जैसे मैं पैसा देना बाकी है ये मेरा क्रेडिटर हो जाएगा और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहां पर लायबिलिटी बढ़ रही है, डन। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए, टू श्याम क्यों, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है। तो इसको लिख लो, 20 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट और 2,25,000 रुपए का, एक्सप्लेनेशन में परचेजेस के आगे लिख दो एक्सपेंस बढ़ रहा है और श्याम के आगे लिख दो लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट देखें, रिसीव फ्रॉम कृष्णा 1,45,000 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 5,000। ये जो कृष्णा को हम लोगों ने सेल किया था 1,50,000 का, जो कृष्णा को हम लोगों ने यहां पर सेल किया था 1,50,000 का, इसने हमें 1,45,000 रुपए दिए और 5,000 का हमसे डिस्काउंट ले लिया, ठीक है। तो ये कौन सी डेट को हो रहा है, ये हो रहा है 24 अप्रैल को, ये 24 अप्रैल को हो रहा है, ठीक है। तो कृष्णा डेबिट टू सेल्स में अब हमें इससे पैसा मिल रहा है, अब हम लोग यही अज्यूम कर लेते हैं, कैश बोल के तो कुछ है नहीं, चलो है यहां पर, वहां कैश विथड्रॉ किया था हम लोगों ने, तो हम इसको कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं,
हम ये भी मान सकते हैं कि कृष्णा ने हमें कैश दिया है तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। हम ये भी मान सकते हैं कि कृष्णा ने हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, हम लोग इसमें कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि यहां पर हमें बैंक से ट्रांसफर किया है। जब हम लोग सब कुछ बैंक से ही मान रहे हैं तो इसको भी बैंक से ही मान लेते हैं। अगर कैश में होता तो जैसे यहां पर था कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक तो स्पेसिफिकली दिया हुआ था, राइट? तो हम लोग इसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये बैंक में इसने ट्रांसफर करवाए पैसे। तो बैंक अकाउंट तो मेरा डेबिट होगा ही होगा क्योंकि एसेट बढ़ रहा है। कितने से डेबिट होगा? बैंक का बैलेंस कितने से बढ़ा? बैंक का बैलेंस बढ़ा 1,45,000 रुपीज से। बैंक का बैलेंस 1,45,000 रुपीज से बढ़ा, ठीक है, तो 145 से बैंक का बैलेंस बढ़ गया। 5,000 का ये मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है। अगर 5,000 का मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है तो ये तो मेरा एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया एक तरह से। लॉस और एक्सपेंस के डेबिट क्रेडिट के रूल सेम होते हैं। तो 5,000 का जो मैंने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है ये मेरे एक लॉस का बैलेंस बढ़ रहा है तो इसको भी मैं डेबिट करूंगा। तो मैं करूंगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने से? 5,000 से। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? यही एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा, ठीक है। और हम लोग 2 कर देंगे कृष्णा, क्योंकि ये जो अब 1.5 लाख का हमारा डेटर यहां पर खड़ा हुआ था हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये अब खत्म हो गया तो हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे। जो हमारा एसेट है इसकी वैल्यू अब कम हो जाएगी पूरे 1.5 लाख रुपए से, एसेट कम हो गया, ठीक है। तो बींग कैश बींग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, बींग पेमेंट रिसीव फ्रॉम कृष्णा एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। एक बार फिर से देख लो, बैंक अकाउंट में 1,45,000 रुपए आए, ठीक, तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया 1,45,000 रुपए से, एसेट बढ़ा। डिस्काउंट हमारा लॉस होता है, लॉसेस और एक्सपेंसेस के डेबिट क्रेडिट के रूल्स एक ही होते हैं, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे अगर हमारे उसका बैलेंस बढ़ेगा तो। तो 5,000 रुपए का हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउ किया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और यहां पर एक्सप्लेनेशन में लिख दो कि एक्सपेंस बढ़ा है, ठीक। कृष्णा हमारा यहां पर देखो एक एसेट बना हुआ था 1.5 लाख रुपए का। 13 अप्रैल को कृष्णा मेरा एसेट बना हुआ था 1.5 लाख रुपए का। अब इसने 1,45,000 दे दिया, 5,000 इसको देना नहीं है तो ये अब मेरा एसेट रहा ही नहीं, तो मेरे एसेट का बैलेंस कम हो रहा है। तो एसेट का बैलेंस अगर कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो 2 कृष्णा कर दिया मैंने 1.5 लाख रुपए क्योंकि मेरे एसेट का बैलेंस कम हो रहा था, ठीक है। नरेशन में लिख दिया बींग पेमेंट रिसीव फ्रॉम कृष्णा एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, बींग पेमेंट रिसीव फ्रॉम कृष्णा एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, ठीक है। मैं नीचे लाइंस खींच लेता हूं। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। 28 अप्रैल को क्या है? पेड शाम कैश एंड डिस्काउंट अलाउड। ओके, शाम कौन था भाई? ये था 20 अप्रैल को शाम से गुड्स खरीदे थे उधार पे। ये देखो 20 अप्रैल को शाम से उधार पे 2,25,000 रुपए का माल खरीदा गया था। अब इसे कितना पे कर रहा हूं मैं? सिर्फ 2,15,000 रुपए। इसको मैं पे करूंगा 2,15,000 रुपए। तो मैं अज्यूम करूंगा कि मैंने बैंक से पेमेंट किया है, ठीक है, कैश तो मेरे पास है ही नहीं उतना। तो मैंने 2,15,000 रुपए शाम को कैश पे करूंगा तो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो मेरा 2,15,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा, राइट। और अब ये 10,000 रुपए का डिस्काउंट अलाउड, ये देखो इन लोगों ने लिखा है डिस्काउंट अलाउड, क्वेश्चन में लिखा है डिस्काउंट अलाउड, लेकिन हमें यहां पर भी समझना पड़ेगा अगर हम किसी को पे कर रहे हैं, अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो हम उसे डिस्काउंट थोड़ी अलाउ करेंगे। ये एक्चुअली डिस्काउंट रिसीव्ड है, हमने शाम को पेमेंट किया तो शाम ने हमें डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है। तो यह समझना पड़ेगा, हमने शाम को अगर पेमेंट किया तो शाम ने हमें डिस्काउंट अलाउ किया, राइट। तो हम यहां पर लिखेंगे April 28th। अच्छा, ये डिस्काउंट रिसीव जो मेरा हुआ ये भी मेरे लिए रेवेन्यू हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले करूंगा शाम डेबिट। शाम को क्यों मैं डेबिट करूंगा? क्योंकि शाम जो मेरी लायबिलिटी थी 2,25,000 रुपए की, अब ये लायबिलिटी पूरी की पूरी 2,25,000 रुपए से खत्म हो रही है, ठीक। तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, ओके। तो शाम डेबिट पूरा 2,25,000 रुपए। 2 बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट किया? पेमेंट किया सिर्फ 2,15,000 रुपए।
तो ये मेरा एसेट डिक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ तो उसको क्रेडिट करते हैं टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या हो गया मेरे लिए, रेवेन्यू हो गया 10,000 का. तो ये रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं, राइट. नरेशन में यहां पर लिख लो, बीइंग पेमेंट मेड टू श्याम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. बीइंग पेमेंट मेड टू श्याम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है. तो श्याम डेबिट 2,25,000 रुपए का, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है. टू बैंक अकाउंट 2,15,000 रुपए का, बैंक में से 2,15,000 रुपए गए हैं, बैंक में से सिर्फ 2,15,000 रुपए गए हैं. तो टू बैंक अकाउंट 2,15,000 रुपए क्योंकि एसेट कम हो रहा है. टू डिस्काउंट रिसीव 10,000 रुपए क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है सर. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं. 30 अप्रैल को ये तीन चीजें हुई हैं. सबसे पहले तो कैश सेल्स फॉर द मंथ 8,00,000 रुपए, तो ठीक है पहले इसको कर देते हैं. अप्रैल 30th कैश सेल्स हुई है, बैंक से ही मानते हैं कि पेमेंट बैंक में आया है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन में लिख दो बीइंग कैश सेल्स फॉर द मंथ, ठीक. बैंक में कितना पैसा आया, 8,00,000 रुपए, और ये भी 8,00,000. ये मेरा एसेट बढ़ रहा है और ये मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है. ये तो बहुत ही सिंपल एंट्री थी, कैश सेल्स फॉर द मंथ 8,00,000 रुपए की थी. तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है. 8,00,000 नरेशन में बीइंग कैश सेल्स फॉर द मंथ, सिंपल. तो बैंक अकाउंट डेबिट 8,00,000 टू सेल्स अकाउंट 8,00,000 बीइंग कैश सेल्स फॉर द मंथ, डन. चलो नेक्स्ट, पेड रेंट और पेड सैलरी. इसको हम लोग चाहें तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. लेकिन क्योंकि ये सेम डे पे हुई है और सेम नेचर के खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हैं तीनों, एक्सपेंसेस हैं दोनों, तो हम लोग इसको एक साथ भी करके लिख सकते हैं इस तरह से, रेंट अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड. बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड कितना कितना, रेंट पे किया है हम लोगों ने 50,000 रुपए और सैलरी हम लोगों ने पे की है 1,00,000 रुपए. तो बैंक से टोटल पैसा गया है 1,50,000 रुपए, ठीक. रेंट मेरा एक्सपेंस है, ये बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है. सैलरी मेरा एक्सपेंस है, ये बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है. बैंक अकाउंट मेरा एसेट है, ये कम हो रहा है इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है, ठीक है. तो इसको हम लोग चाहे तो दो अलग अलग एंट्रीज करके भी लिख सकते थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 50,000 और दूसरी एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,00,000 1,00,000, ठीक है. लेकिन क्योंकि ये सेम नेचर की, सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस थे और सेम डेट पे हुए हुए थे, इसलिए हम लोगों ने इसको एक साथ ही करके लिख दिया, रेंट अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. रेंट में 50,000, सैलरी में 1,00,000, टू बैंक में 1,50,000. रेंट एक्सपेंस है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है. सैलरी एक्सपेंस है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट हो रही है. और नरेशन में लिख देंगे बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड, और बैंक अकाउंट इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये एसेट है, डन. कर लो इसको, इसके बाद भी कुछ है ना, क्वेश्चन खत्म. अब एक और टर्म का मतलब देखते हैं, और वो टर्म है डिस्काउंट. डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हो. डिस्काउंट इज अ डिडक्शन फ्रॉम द फुल अमाउंट ऑफ प्राइस, ठीक है. कोई चीज, कोई सपोज ये फोन अगर लें, ये फोन आपको 15,000 रुपए का मिलता था, इसका जो प्राइस है मार्केट में 15,000 का था. अगर सेलर ने आपसे कहा कि यार 1,000 कम दे दो, तो 1,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया, राइट. तो डिस्काउंट इज अ डिडक्शन फ्रॉम द फुल अमाउंट ऑफ प्राइस, ठीक. ओके, डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट. एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट. ठीक, अब देखते हैं व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट के लिस्ट प्राइस के ऊपर एक फिक्स्ड परसेंटेज अगर ऑफ होता है तो उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट. आई रिपीट, किसी भी प्रोडक्ट के
लिस्ट प्राइस के ऊपर अगर कुछ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ होती है तो उसे बोलते हैं लिस्ट प्राइस, उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल जैसे बिग बाजार में आप जाओ या किसी भी आप कपड़ों के शोरूम में जाओ तो दिखता है ना 50% ऑफ, 50% सेल लगी है, फ्लैट 30% ऑफ, तो वो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। मतलब आप उस कैटेगरी के कोई भी प्रोडक्ट ले लो, आप उस कैटेगरी का अगर कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, आप अगर कोई भी शर्ट लेते हो या कोई भी टी शर्ट लेते हो जिसके ऊपर लिखा हुआ है फ्लैट 30% ऑफ, तो वो शर्ट या टी शर्ट चाहे जितने की भी हो उसमें 30% ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उसका जो लिस्ट प्राइस है, शर्ट का जो टैग लगा रहता है यहां पर, उस पर कितना भी पैसा होगा उस पर 30% ऑफ तो होगा ही होगा, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या हुआ, डिस्काउंट एट अ फिक्स्ड percentage on the list price of a product। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया, फ्लैट 30% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, तो उस कैटेगरी का आप कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो उस पर जितने भी टैग रहा होगा, जितना भी उसका लिस्ट प्राइस रहेगा, उस पर 30% या 50% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा आप देखते हैं कैश डिस्काउंट। अब मैं एक लोकल शॉप का एग्जाम्पल ले रहा हूं, सपोज कोई भी लोकल शॉप है, निशांत बुक स्टोर का एग्जाम्पल हो। निशांत बुक स्टोर में अगर हम लोग बात करें कि आप आज कोई भी बुक लोगे तो हर बुक पे 30% ऑफ, ठीक है, हर बुक पे 30% ऑफ, तो वो क्या हो गया, वो तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। एक लिस्ट प्राइस पे फिक्स परसेंटेज ऑफ है, वो हो गया 30% ऑफ, वो हो गया ट्रेड डिस्काउंट, राइट। अब सपोज जैसे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो क्रेडिट पे परचेज सेल करती है, ठीक है ना, तो निशांत बुक स्टोर भी जो सेल करेगी वो क्रेडिट पे सेल हो रहा होगा, कुछ ना कुछ क्रेडिट पे सेल हो ही रहा होगा, राइट। तो आज सपोज किसी ने मेरे से माल खरीदा तो उसको 30% ऑफ तो मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट था, लेकिन अब वो पेमेंट मुझे करेगा 30 दिन बाद, क्योंकि मेरी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो 1 month की है, मेरी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो 1 month की है, मैं कहता हूं आज माल ले जाओ आप लोग, पेमेंट 1 महीने बाद कर देना। तो निशांत बुक स्टोर की जो क्रेडिट पॉलिसी है वो 1 month की है, मतलब कोई भी कस्टमर अगर आके बुक लेके जाता है तो पेमेंट 1 महीने बाद वो कर सकता है, ये निशांत बुक स्टोर अलाउ करता है, राइट। तो अब सपोज कोई कस्टमर आज आया और उसने 30% डिस्काउंट पे मेरे से कुछ बुक्स खरीद ली, राइट, अब पेमेंट वो करेगा 1 महीने बाद, पर सपोज मुझे पैसा थोड़ी जल्दी चाहिए, मुझे पैसा 10 दिन के अंदर चाहिए, मुझे पैसा 15 दिन के अंदर चाहिए या हफ्ते भर के अंदर चाहिए, और तब मैं उससे कहता हूं, कस्टमर से कहता हूं कि भाई देख 30% ऑफ तो तेरे को मिल ही रहा है, ठीक है, 30% ऑफ तो तुझे मिल ही रहा है, ये ट्रेड डिस्काउंट है, लेकिन अगर पेमेंट तूने 1 महीने से पहले कर दिया, अगर पेमेंट तूने 10 दिन के अंदर कर दिया तो मैं तुझे 2% और डिस्काउंट दे दूंगा। अगर तूने पेमेंट 10 दिन से पहले कर दिया तो मैं 2% डिस्काउंट और दे दूंगा। मतलब क्या हुआ कि प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए या अर्ली पेमेंट के लिए अगर मैं कुछ एडिशनल डिस्काउंट दे रहा हूं तो वो होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट और अर्ली पेमेंट, डिस्काउंट गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट और अर्ली पेमेंट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। ट्रेड डिस्काउंट तो सबको मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है क्योंकि वो लिस्ट प्राइस पे एक फिक्स्ड परसेंटेज के बेसिस पे दिया जाता है। कैश डिस्काउंट हर किसी को नहीं मिलेगा। कैश डिस्काउंट हर किसी को क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट कंडीशनल डिस्काउंट है। कंडीशनल मतलब आप अगर पेमेंट हमें 10 दिन के अंदर अंदर करोगे तभी हम आपको 10% तभी हम आपको 2% और डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो जो जो कस्टमर्स 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे उन्हें तो ये 2% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन बाकी के कस्टमर्स जो महीने भर के अंदर ही पेमेंट करेंगे उन्हें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, एंड कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड फॉर अर्ली रिकवरी ऑफ पेमेंट, अर्ली रिकवरी ऑफ कैश और प्रॉम्प्ट पेमेंट, राइट। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। तो सर ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, दिस इज नॉट अकाउंटेड फॉर, दिस इज नॉट अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब ट्रेड डिस्काउंट कह के कोई लेजर अकाउंट नहीं खोला जाता।
ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग कभी भी डेबिट नहीं करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग कभी भी डेबिट नहीं करेंगे, हम ऐसा ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि जब बिल दिया जाता है, जब सेलर किसी भी बायर को बिल देगा, कोई कस्टमर मेरे पास आया निशांत बुक स्टोर में, तो मैं जब उसको बिल दूंगा तो जो बिल वाली वैल्यू होगी ना, मैं उसी में से माइनस कर दूंगा इसको ट्रेड डिस्काउंट को, और जो भी नेट वैल्यू होगी मैं उससे रिकॉर्ड कर लूंगा अपनी बुक्स को, अपनी सेल को मैं उससे रिकॉर्ड कर लूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिस्ट प्राइस था मेरा 5,000 रुपीज, ठीक, कोई कस्टमर 5,000 रुपीज की बुक्स लेगा, मैंने लेस किया डिस्काउंट एट 30%, ट्रेड डिस्काउंट मैंने दिया 30%, तो 3,500 मेरा डिस्काउंट आ गया, ट्रेड डिस्काउंट। तो जो मेरी नेट सेल हुई वो कितने की हुई? 3,500 की मेरी नेट सेल हुई। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग द जर्नल एंट्री एज कैश अकाउंट डेबिट 3,500, ट्रेड डिस्काउंट डेबिट 1,500 टू सेल्स 5,000, इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस एंट्री मैं ट्रेड डिस्काउंट वाला करूंगा ही नहीं, और ये जो 5,000 है इसकी जगह मैं करूंगा 3,500, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैं बायर को बिल दूंगा, जो मैं अपने कस्टमर को बिल दूंगा, वहीं पर मैं इनवॉइस वैल्यू से इसको माइनस करके दिखा दूंगा, और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो सेल में रिकॉर्ड करूंगा वो 3,500 पे करूंगा, ना कि 5,000 पे, ठीक है। रीजन बीइंग कि सर ट्रेड डिस्काउंट मिलना सबको है, तो अननेसेसरी आप अपनी बुक्स को वॉल्यूमिनस क्यों बनाओगे? अननेसेसरी आपने ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट खोला, अननेसेसरी आप उसको वॉल्यूम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बढ़ाते जाओगे, तो कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। बाकी इनवॉइस की आपके पास डुप्लीकेट कॉपी है ही, तो इफ यू वांट टू से रेफर इट लेटर ऑन, तो आप इनवॉइस को देख के उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, उसे इनवॉइस वैल्यू से माइनस कर दिया जाता है, और जर्नल एंट्री जो पास की जाती है उसमें ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करके कुछ भी ऐसा नहीं किया जाता है, राइट। अब देखते हैं कैश डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को नहीं किया जाता है क्योंकि वो सबको दिया जाता है, सारे कस्टमर्स को ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो कॉमन डिस्काउंट है, तो वो इनवॉइस वैल्यू से माइनस करके दिखा दिया जाएगा, और जो नेट फिगर आएगी उसी पे सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन कैश डिस्काउंट में ऐसा नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट को अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, अगर हम लोग किसी कस्टमर को कैश डिस्काउंट देते हैं, तो फिर हम लोग उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर मैं यही वाला एग्जाम्पल लूं, सपोज ये 1,500 रुपए जो है ये ट्रेड डिस्काउंट ना होके, अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं, यहां पर नेट सेल आ गई मेरी, नेट सेल आई 3,500, ठीक है। उसके बाद सपोज मैंने कैश डिस्काउंट किया 500 रुपए, तो अब मेरी सेल कितनी आई? 3,000 रुपए की, ठीक है। तो मैं इसको कैसे रिकॉर्ड करूंगा? मैं करूंगा कैश अकाउंट डेबिट 3,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500 टू सेल्स अकाउंट 3,500, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट 3,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500 टू सेल्स अकाउंट 3,500। ये डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बैलेंस जब बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, राइट। यहां पर भी इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट में हम लोगों ने इसको डेबिट किया हुआ था, बट ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, इसलिए 3,500 पे एंट्री की गई थी। और यहां पर नेट सेल तो हमारी 3,500 की है, उसके बाद ओवर एंड अबव द लिस्ट प्राइस, ओवर एंड अबव द ट्रेड डिस्काउंट अगर हम लोग कुछ एडिशनल डिस्काउंट देते हैं तो दैट इज कैश डिस्काउंट, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस तरह से रिकॉर्ड करके दिखाया जाता है, ठीक। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट डन। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जर्नलाइज परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन ऑफ लिस्ट प्राइस 2,00,000 रुपीज, ही अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5,000 कैश डिस्काउंट वॉज ऑल्सो अलाउड फॉर क्विक पेमेंट, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस कितना है? 2,00,000 रुपए, लिस्ट प्राइस है 2,00,000 रुपए, इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ट्रेड डिस्काउंट को तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट किया नहीं जाता है, वो इनवॉइस वैल्यू से माइनस हो जाता है। तो इनवॉइस वैल्यू क्या है? इनवॉइस में ही मतलब लिस्ट प्राइस से माइनस कर दिया जाता है।
तो 2 लाख माइनस 10% ऑफ 2 लाख, व्हाट इज 10% ऑफ 2 लाख, 20,000. हाउ डिड आई कैलकुलेट इट, 2 लाख का 10% है तो बस आखिरी वाला जीरो हटा दो, वही हो जाता है 10%. किसी का भी अगर 10% निकालना है, आखिरी का एक जीरो हटा दो, 10% आ गया, राइट. तो 2 लाख का 10% हो जाएगा 20,000. तो लिस्ट प्राइस मेरा 2 लाख है, उसमें से पहले मैं 20,000 माइनस करूंगा ट्रेड डिस्काउंट, दैट विल गिव मी 1,80,000 रुपीज, राइट. तो इस 1,80,000 रुपीज को मैं परचेजेस अकाउंट में डेबिट करूंगा. उसके बाद उसके ऊपर मुझे उसमें से 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो ये मेरे लिए एक रेवेन्यू हो जाएगा. तो 5,000 रुपए का मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा, राइट. और फिर जो 1,75,000 रुपीज होंगे, जो 1,75,000 रुपीज का पेमेंट होगा, उसको मैं कैश अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा. अब देखो यहां पर नाम मेंशनड है, यहां पर नाम मेंशनड है, राइट. तो यहां पर कायदे से हम लोगों को कैश अकाउंट तो क्रेडिट करना नहीं चाहिए, हम लोगों को नवीन में क्रेडिट करना चाहिए. लेकिन ये अगर दिया हुआ है 5,000 रुपीज कैश डिस्काउंट वॉज ऑल्सो अलॉट फॉर क्विक पेमेंट, मतलब ये पेमेंट हाथ के हाथ कर रहा है, राइट. तो इसलिए हम लोग यहां पर जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,80,000, 2 लाख माइनस 10%, 2 कैश 1,75,000, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000 रुपीज, ठीक है. तो इसको कर लेते हैं, जर्नल करेंगे हम लोग, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट रुपए और क्रेडिट रुपए. आप लोग भी फॉर्मेट बना लो. ठीक है, हम लोग करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. Being goods purchased from Naveen for 2 lakh rupees at 10% trade discount and cash discount of 5,000 rupees. ये मेरा narration हो जाएगा, right? Purchases account में कितना करूंगा? अच्छा, इसके लिए मैं एक working note भी बना देता हूं. तो यहां पर हम लोग बनाएंगे, मतलब आप लोग इसके journal के नीचे भी बना सकते हो. वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस एंड कैश टू बी पेड. वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस एंड कैश टू बी पेड, पर्टिकुलर्स और रुपए, ठीक है सर, पर्टिकुलर्स और रुपए. इसको हम लोग सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, लिस्ट प्राइस 2 लाख था, लिस्ट प्राइस 2 लाख रुपए था, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% विच इज 20,000, अमाउंट टू बी डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, ये आ गया मेरा 2 लाख माइनस 20,000, 1,80,000, लेस कैश डिस्काउंट 5,000. तो यहां पर मेरा आ जाएगा कैश टू बी पेड, ठीक. तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा वर्किंग नोट 1, 180, ये रहा अमाउंट टू बी डेबिटेड टू परचेजेस 1,80,000, टू कैश 1,75,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000 रुपीज, ठीक है सर. तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,80,000, टू कैश 1,75,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000 रुपीज. मैं वेट कर रहा हूं, आई नो आई काइंड ऑफ रश्ड इनटू टाइपिंग दिस क्वेश्चन, बट आप लोग इसको कर लो, आई एम गिविंग यू टाइम. मैं फिर से समझा दे रहा हूं, जर्नल बनाई हमने, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट, जर्नल एंट्री हमने पास की परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, राइट. परचेजेस अकाउंट का बैलेंस कैसे निकला, वो हम लोगों ने उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाया. वर्किंग नोट क्या बनाया, कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस एंड कैश टू बी पेड. इसमें हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि लिस्ट प्राइस वाज 2 लाख रुपीस, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% व्हिच कम्स आउट टू 20,000 रुपीस, दिस गिव्स अस 1,80,000 एंड दिस अमाउंट हैज टू बी डेबिटेड टू द परचेजेस अकाउंट,
तो अमाउंट टू बी डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट 180,000 रुपए, लेस कैश डिस्काउंट 5,000 रुपए, और फिर कैश टू बी पेड आ जाता है मेरा 175,000 रुपए। ठीक, तो आई एम गिविंग यू टाइम, वेट कर रहा हूं मैं एक मिनट के लिए, आप लोग कर लो इसको। Done? Okay.